नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम और पोटाशियम टेबलेट के बारे में। यानी कि जो डाइक्लोफिनेक सोडियम के नाम से और डाइक्लोफिनेक पोटाशियम के नाम से ये टेबलेट आती हैं, आखिर इनमें क्या अंतर है, किन किन को देनी चाहिए व कितनी डोज देनी चाहिए, आखिर किन पेशेंट को ये टेबलेट नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो पूरी देखते रहिए क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। अब बात कर ले दोस्तों डाइक्लोफिनेक सोडियम व पोटाशियम के बारे में। तो ये एक एंटी एनाल्जेसिक है, यानी कि ये एक पेन किलर है, जैसे कि पैरासिटामोल हो गया, ट्रामाडोल हो गया या न्यूमोसिलाइड हो गई, बहुत सी पेन किलर टेबलेट आती है, वैसे ही डाइक्लोफिनेक एक पेन किलर यानी दर्द निवारक टेबलेट है। अब बात कर ले दोस्तों कि डाइक्लोफिनेक सोडियम और पोटाशियम में क्या अंतर है। तो दोस्तों, डाइक्लोफिनेक सोडियम जो कि स्लोली वर्किंग करता है, यानी कि बहुत धीरे काम करता है, बॉडी में धीरे रिलीज होता है, यानी कि जो इसकी घुलनशीलता है यानी कि जो ऑब्जॉर्वेशन है वो स्लोली होती है, जिसकी वजह से ये अपना रिजल्ट लेट देता है, यानी कि 30 से 40 मिनट यानी लेने के बाद टेबलेट 30 से 40 मिनट बाद ही अपना रिजल्ट देता है। वहीं अगर बात करें डाइक्लोफिनेक पोटाशियम टेबलेट की, तो ये फास्ट वर्क करती है, यानी कि जल्दी काम करती है और ये बॉडी में जल्दी अब्जॉर्व हो जाती है, जो कि लेने के बाद आपको 5 से 10 मिनट बाद रिजल्ट मिल जाता है। यानी कि आपको किसी प्रकार का बॉडी में पेन हो रहा है तो आपको 5 से 10 मिनट बाद आराम मिल जाएगा। अब बात कर ले दोस्तों इनमें साइड इफेक्ट की, तो डाइक्लोफिनेक सोडियम के थोड़े ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, जबकि पोटेशियम के थोड़े हल्के साइड इफेक्ट होते हैं। यानी कि डाइक्लोफिनेक सोडियम लेने के बाद आपको पेट में भारीपन सा या गैस्ट्रिक सी या वोमिटिंग या जी मितलाना ऐसा कुछ महसूस हो सकता है, बल्कि वही सोडियम में यही महसूस होता है, जबकि पोटाशियम में ये बहुत कम महसूस होता है, यानी गैस्ट्रिक बनने के बहुत कम चांस है, सोडियम में बनने के ज़्यादा चांस है। अब बात कर ले दोस्तों इनके प्राइस की, तो डाइक्लोफिनेक सोडियम आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, यानी कि मार्केट में आपको 2 से 3 रुपए की टेबलेट मिल जाएगी या 1 से 2 रुपए की मिल जाएगी, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट है। वही बात कर ले पोटाशियम की, तो पोटाशियम थोड़ा महंगा पड़ता है, हालांकि इतना भी महंगा नहीं है, क्योंकि इसकी 3 से 4 रुपए की टेबलेट आपको मार्केट में किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।